मुझे शक है सर, आप आगे फैसला करें सर। इसके घर वाले किधर हैं? पहले घर वालों को बुलाएं और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दें गाड़ी। ओके सर। आप इसे संभालें, ये बच्चा मर चुका है। आप इसकी फैमिली को बुलवा लें, इसके वाले सब को हम तलाश कर रहे हैं। जैसे वो मिलते हैं उसके बाद बाकी सूरत हाल वाज़ेह होगी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एक और खौफनाक हकीकत के साथ मैं हूँ सैयदा इकरा बुखारी। कहा जाता है कि इंतकाम अंधा होता है, लेकिन ऐसा भी क्या इंतकाम कि इंसान अपना ही गला काट कर रख दे। जोशे इंतकाम में किए गए फैसले ऐसे ही होते हैं। गुस्सा अकल को खा जाता है, जज्बात के मनफी धारे में बहने वाला इंसान अपना ही नुकसान कर देता है। ये भी ऐसी ही एक कहानी है जिसका अंजाम इतना भयानक था कि सुनकर इंसान की रूह तक लरस जाती है। आयशा, आयशा कहाँ मर गई हो? आयशा जी, जी यहीं पर हूँ, क्या हुआ? खाना बना रही थी। दरवाजा क्यों खुला है? कोई आया था? कोई नहीं। कोई नहीं? जिन आया था? आप गए थे शायद, तभी से खुला रह गया होगा। मैं तो तब से किचन में हूँ। मैं गया था, दरवाजा खुला रह गया, तो इसे बंद नहीं करना था? मुझे पता नहीं था, मैं किचन में थी, मुझे मेरा तो इस साइड पे चक्कर ही नहीं लगा, मैं आई नहीं यहाँ। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। मेरा वो मतलब नहीं था। ये मेरा घर है, तेरी माँ का नहीं, कि जिसका दिल चाहे मुंह उठाए अंदर आ जाए। देखे मेरा ये मतलब नहीं था बिल्कुल। मुझे सब पता है तेरा मतलब क्या था। बच्चा नहीं हूँ मैं। आप बात को गलत तरफ लेके जा रहे हैं। अब तू मुझे समझाएगी? हाँ तू मुझे समझाएगी? जो तू खेल खेलना चाहती है ना, सब मुझे पता है। आपको कोई गलत फहमी हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जो मेरी आंखों में धूल झोंकना चाहती हो ना आयशा बीबी, इस घर के इर्द गिर्द कोई मुझे मंडलाता हुआ नजर आ गया ना, तो वो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, आखिरी। खुदा ने औरत का हर रिश्ता मुकद्दस रखा है, ये माँ बहन बेटी और बीवी होती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनकी नज़र में औरत एक घटिया और काबिले शर्म मखलूक के सिवा कुछ नहीं है। अल्लाह ने जिस औरत के कदमों तले जन्नत रख दी है, हम उसी की तौहीन करते चले जाते हैं और फिर ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसके जख्म उम्र भर हरे रहते हैं। शक की बुनियाद पर खड़ी होने वाली इस कहानी में भी ऐसा ही कुछ हुआ था।
आखा खान मियाँ क्या चल रहा है? क्या चल रहा है यार, जिंदगी अजाब है। क्या हो गया यार? यार दुनिया का कुछ पता नहीं चल रहा किस तरफ जा रही है। बेहयाई तो आम ही होगी। हाँ ये बात तो आपकी ठीक है, हमारे जमाने में तो ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था। इंसान काम धंधा करे या घर के चक्कर काटता फिरे, दिन में 10 बार घर के चक्कर काटने पड़ते हैं। अरे क्या हो गया मेरे भाई, सब खैरियत तो है, कोई धमकी तो नहीं मिल गई? अकेली बीवी घर में किसी धमकी से कम है क्या? खटका सा लगा रहता है। हाँ हालात भी तो कुछ ठीक नहीं। हालात तो ऐसे ही रहते हैं, लेकिन एक सच्ची बात कहूँ, औरत जात पे कभी एतबार ना करना। तू ज्यादा ही परेशान लगता है आजकल, अल्लाह मालिक है यार, तू ज्यादा सोचा ना कर। यार मुलाजमत के लिए भरा पड़ा घर छोड़कर आया यहाँ, पहले कभी फिक्र नहीं थी। तू ज्यादा परेशान ना हो, सुकून से बैठ, चल चाय पीते हैं। अरे ओ छोटू मियां दो चाय लेके आओ। नहीं नहीं मैं घर का चक्कर लगाऊं। अरे बैठो तो सही, हम कल मिलते हैं। हाँ इस्लाम ने जो बुनियादी तसव्वुर दिया यकीन, आप याद रखें किसी भी ताल्लुक के लिए, किसी भी रिश्ते के लिए, उसे निभाने के लिए यकीन सबसे बुनियादी शर्त है। यकीन या होता है या नहीं होता, यकीन में कमी बेशी नहीं होती, और इसी यकीन को ईमान कहा गया। और ईमान की ज़िद है शक। शक करने वाला इंसान ना अपने ईमान में मज़बूत नहीं हो सकता अल्लाह के साथ ताल्लुक में, शक करने वाला इंसान कभी मुमकिन नहीं है कि वो अपने किसी ताल्लुक और रिश्ते में मज़बूत हो सके। जो इंसान शक करता है वो दुनिया और आहरत की तमाम नेमतों से महरूम हो जाता है। शक तो हंसते बसते घरों को खा जाता है। इस्लाम ने जहलियत की सोच को ख़त्म कर दिया, लेकिन हमारे यहाँ अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अभी तक इसी ज़ालिमाना दौर में जी रहे हैं। हाकान कहने को तो एक मौजज़ इंसान था, लेकिन शक का नाक उसके जहन में भी कुंडली मारे बैठा था। आज मैं एक खास मकसद से आई हूँ। कैसा मकसद? अरे आप तो डरी गई, हमारे घर में लाद है और मैं चाहती हूँ कि आप भी कल आए। बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा आना मुश्किल होगा, मैं नहीं आ पाऊंगी। मुश्किल? कैसी मुश्किल, ये साथ ही तो हमारा घर है। फिर भी मैं खुद आ जाऊंगी आपको लेने। वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है, बताएं तो सही। दरअसल मुझे कहीं बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन हम तो आपके हमसाए हैं ना। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन फिर भी मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, मैं नहीं आ सकूंगी। अच्छा मैं अपने शोहर से कहूँ कि वो भाई साहब को कह दें? अरे नहीं नहीं ये ना कर दीजिएगा, आप मेरी मुश्किल समझ नहीं पा रही। चलें जैसे आपकी मर्जी, हमारे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। जी इंशाल्लाह। वैसे मेरा मशवरा है कि इतना डर डर के ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि आप अपने घर वालों को बताएं। इससे तो मज़ीद झगड़े बढ़ जाएंगे। तो अब आप कौन सा सुखी हैं, सारी ज़िंदगी ऐसे तो नहीं गुजारी जा सकती ना। फिर भी मैं थोड़ा और सोच लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा घर मज़ीद ख़राब हो जाए। चलें जैसे आपकी मर्ज़ी, आपके घर का मामला है, मैंने तो ऐसे ही बात कही थी। चलें अब मैं चलती हूँ। यहाँ पे हम दो चीज़ों की बात करेंगे, या तो ये बिल्कुल पैरानोया हो सकता है जिसमें इंसान ऐसी सोचें रखता है जिसकी कोई बेसिस नहीं होती, जिनको हम डिल्यूजनल थॉट्स भी कहते हैं। तो कभी कभार इस किस्म की सिचुएशन आ जाती है कि हम अपने स्पाउस पे जो है वो शक कर सकते हैं। इस केस में जहाँ पे हम फादर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग बात करेंगे पैथोलॉजिकल जेलसी की।
पैथोलॉजिकल जेलेसी का मतलब है कि इंसान ऐसी सोच रखता है अपने लाइफ पार्टनर के बारे में जिसकी कोई बेसिस नहीं होती, कोई उसका एक्चुअल एविडेंस नहीं होता. फॉर एग्जांपल कि कोई मियाँ या बीवी अपनी दूसरे लाइफ पार्टनर पे शक करें और उसका कोई उनके पास एविडेंस या प्रूफ ना हो प्रॉपर कि वो वाकई ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अमारा की बातों में वजन था, शक के साए में घर नहीं बसते, लेकिन मशरे की बीवी की हैसियत से आयशा आखिरी हद तक अपना घर बसाना चाहती थी. उसने अभी तक अपनी वालिदा को खाकान की शक की फितरत से आगाह नहीं किया था, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो अपने इस फैसले पर कायम रहेगी. देखिएगा एक शॉर्ट ब्रेक के बाद. सच बताओ, पहले दरवाजा खुला था, आज ये गई. आखिर मेरे घर में ये चल क्या रहा है? मोहल्ले वाले और बरादरी में सब लोग बातें करने लगे. अब तुम ही बताओ किस किस की जुबान पकड़ूंगी मैं. वैसे भी इंसान जिम्मेदारी बढ़ने के साथ साथ समझदार हो ही जाता है. देखो बेटा, मैं तुम दोनों की बुजुर्ग हूँ, मैं चाहती हूँ कि यह मामला सुलझ जाए. वेलकम बैक. नाज़रीन, आयशा को इल्म ना था कि तकदीर उसके साथ कैसा खेल खेलने वाली है. वो अपनी मोहल्लेदार के साथ दिल की बातें करने लगी थी, लेकिन यही उसके लिए एक नए अजाब की वजह बन गया. कौन थी ये? कौन बताऊं तुझे, जो ये गई कौन थी? वो हमारी हमसाई है, हमारा नाम है उसका. मोहल्ले में किस किस को पता है और किस किस से तू मिलती है? मैं किसी से नहीं मिलती, वो आज पहली दफा आई थी यहाँ. यही तो पूछ रहा हूँ कि क्यों आई है. कल उसके घर मिला दे, बस उसी का कहने आई थी. ठीक ठीक बता, तेरे किस यार का पैगाम लेके आई थी ये? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. सच बता, पहले दरवाजा खुला था, आज ये गई. आखिर मेरे घर में ये चल क्या रहा है? आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है. बेटा कुछ समझा मुझे, अंधा हूं मैं? छोड़े मुझे खाकान, प्लीज छोड़े. अगर इस घर के आसपास कोई भी मुझे नजर आया तो जान से मार दूंगा तुझे, समझी? समझी? शक करना इतनी बड़ी मुसीबत है कि इंसान अपने आप को और जिस पर वो शक कर रहा होता है उसे भी बहुत सख्त अज़ियत और तकलीफ़ में डाल देता है. इस्लाम ने यकीन का सबक दिया और कोई रिश्ता भी, ख़ा वो अल्लाह के साथ हो या उसकी मखलूक के साथ, बग़ैर यकीन के नहीं पनप सकता. आप देखें ना, ईमान, अल्लाह ने अपनी ज़ात के साथ ताल्लुक की बुनियाद ईमान को रखा, रसूलुल्लाह के साथ ताल्लुक की बुनियाद ईमान को रखा, और वो ईमान, ईमान बिल गैब, यानी जो चीज़ नज़र नहीं आती उस पर भी यकीन रखना. ऐसे ही इंसान के रिश्ते होते हैं आपस में, बहन भाई का रिश्ता है, वालिदैन के साथ रिश्ता है, दोस्तों के साथ ताल्लुकात है, मियाँ बीवी का रिश्ता है, ये सारे रिश्ते यकीन पर कायम हैं. अगर ये यकीन ना रहा तो ये रिश्ते अपनी बरकत खो बैठते हैं. औरत मॉम की ऐसी गुड़िया है जिसे शौहर की मोहब्बत के दो लफ्ज़ मिल जाएं तो वो महल छोड़कर झोंपड़ी में भी चली आती है.
आयशा को ना तो मोहब्बत का कोई बोल मिल सका और ना ही उसकी किस्मत में शौहर की तवज्जो लिखी थी। खाकान के शक ने उसकी ज़िंदगी तबाह करके रख दी थी। हर रोज़ के शक और तशद्दुद से तंग आकर वो अपनी वालिदा के घर चली गई। बेटा, तो फिर क्या सोचा है तुमने? अम्मी, किस बारे में? खाकान के बारे में। देखो, लड़ाई हमेशा तो नहीं चल सकती ना। अम्मी, ये आप कह रही हैं, आपको तो पता है वो कितना शकी है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन घर औरत के सब्र से ही बसते हैं। चाहे औरत सब्र करते करते मर जाए। ऐसा नहीं कहते, लेकिन लेकिन क्या अम्मी? मोहल्ले वाले और बरादरी में सब लोग बातें करने लगे, अब तुम ही बताओ किस किस की जुबान पकड़ूंगी मैं। तो अम्मी, आप उनको असल बात क्यों नहीं बताती? देखो बेटा, इतनी बदगुमानी भी अच्छी नहीं होती। दरअसल मुझे खाकान का फ़ोन भी आया था। क्या क्या कहा था उन्होंने? वो शर्मिंदा है और तुम्हें लेने आ रहा है। कब आ रहे हैं लेने? वो तो आज ही आना चाह रहा था, लेकिन मैंने उसको बोला कि तुम कल आओ ताकि मैं तुमसे भी बात करूं। नजमा बीबी अपनी बेटी का घर बसाना चाहती है। एक तरफ वो अपनी बेटी को समझाती रही तो दूसरी तरफ खाकान को भी नसीहत कर रही थी। बूढ़ी माँ अपनी बेटी को मज़ीद दुखी नहीं देखना चाहती थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो आप? ठीक हो? जी, बैठो। खाकान बेटा, देखो लड़ाई हर घर में होती है, लेकिन उसे बढ़ाया नहीं जाता। तुम भी तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करो। मानता हूँ मेरी गलती थी, लेकिन आयशा की वजह से गुस्सा आ जाता है। आयशा की वजह से क्यों? मैं तुम्हारी सास ही नहीं, खाला भी हूँ। मुझे बताओ मसला क्या है? उसकी लापरवाही। घर में आऊँ दरवाज़ा खुला होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी बीवी पे ही उठ के शक करना शुरू कर दो। उसे भी तो चाहिए शक की वजह पैदा ही ना होने दे। देखो बेटा, मैं तुम दोनों के बुजुर्ग हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये मामला सुलझ जाए। मामला सुलझाने से कौन इनकार कर रहा है? मैंने आयशा की भी बात सुनी और तुम्हारी भी। तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखा करो तो ये मसला पैदा ही ना हो। मैं आइंदा से इस बात का ख्याल रखूंगा, मगर आप उसको भी समझाएं। उसे मैं समझा चुकी हूँ, लेकिन सच्ची बात यह है कि ज्यादा कसूर तुम्हारा ही निकला है। आपने तो इसी की साइड ले ली। देखो, ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं उसे तुम्हारे साथ भेज तो रही हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा मसला हुआ तो उसे मारने पीटने के बजाय मुझसे बात करनी है। ठीक है, जैसे आपकी खुशी। जीते रहो बेटा। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे घर मिलाते हैं। आना तो था, आखिर कब तक घर पे बंद बैठ सकती थी। खाकान भाई, कुछ बेहतर हुआ है? मूड तो कुछ ठीक है, लेकिन मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है कि हालात बेहतर होंगे। क्यों, ऐसा क्यों सोचती हैं आप? वो बेहद शक करते हैं और उन्हें लगता है कि मैं बद किरदार हूँ। मुझे तो लगा था कि अब तक वो ठीक हो गए होंगे। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। आप परेशान ना हो, वैसे भी टेंशन इन दिनों आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। अब तो बस एक ही उम्मीद है। वो क्या? शायद खाकान बाप बन के बदल जाए। मुझे यकीन है ऐसा ही होगा, वैसे भी इंसान जिम्मेदारी बढ़ने के साथ साथ समझदार हो ही जाता है। जिम्मेदारी तो वैसे मैं भी हूँ उनकी। आप परेशान बिल्कुल ना हो, सब ठीक हो जाएगा। पैथोलॉजिकल जेलेसी में आकर इंसान कोई ना कोई गलत हरकत कर सकता है। इसमें यूजुअली ये चीज़ इन्वॉल्व होती है कि एक स्पाउस अपनी बीवी का या एक बीवी अपने हस्बैंड का जो है वो बार बार फ़ोन चेक करें, उनकी हर चीज़ पे नज़र रखे, उनके दोस्तों पे शक करें, उनके आने जाने पे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे। जब ये चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। आयशा माँ बनने वाली थी, लेकिन खुशी के इस मौका पर परेशानियों और खौफ ने उसे घेर रखा था। खाकान की अदम दिलचस्पी और शक की तबीयत की वजह से वो मुसलसल परेशान रहने लगी थी। अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। आयशा के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था? देखिएगा एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
میری بیوی کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ نہیں یار، ایسی بھی بات نہیں۔ عائشہ بیوی، اس گھر کے ارد گرد کوئی مجھے منڈلاتا ہوا نظر آ گیا نا تو وہ تیری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ کس سے بات کر رہے تھے؟ امی کی کال تھی۔ واقعی امی سے بات کر رہے تھے؟ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، نے جس کے ساتھ منہ کالا کیے اسی سے مٹھائی کا بولو۔ حقیقت میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، عائشہ اور خاقان کو اللہ اولاد جیسی نعمت سے نواز رہا تھا، لیکن خوشی کے اس موقع کو اذیت میں بدلنے کے لیے خاقان کے پاس کئی جواز تھے۔ عائشہ شادی کے بعد کانٹوں کی سیشت پر زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن اب جو ہوا وہ کوئی ماں بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ ہیلو۔ ہیلو امی، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، بس تمہاری فکر لگ رہی تھی۔ تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں، بس بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اللہ خیر کرے، کیا ہوا؟ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا ہے۔ ویسے تو سب ٹھیک ہے، لیکن ان دنوں آپ ساتھ ہوتی تو سہولت ہو جاتی۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ میرا پہلا نوازا ہے، بھلا میں نہیں آؤں گی تو اور کون آئے گا؟ آپ بس تھوڑے دن پہلے آ جائیں گے، مجھے ساتھ لے جائیں آپ۔ ہاں ہاں ضرور ضرور، کیوں نہیں، میں آج ہی آ جاتی ہوں بیٹا، تم پریشان نہ ہو۔ بہت شکریہ امی۔ جیتی رہو بیٹا۔ کس سے بات کر رہے تھے؟ امی کی کال تھی۔ واقعی امی سے بات کر رہے تھے؟ تو مجھے دیکھ کے فون کیوں بند کیا؟ ارے مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ آپ آ رہے ہیں، میں تو امی سے بات کر رہی تھی۔ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب سمجھتا ہوں۔ کیا چل بیٹھ کے بات کرتے ہیں؟ ارے بھائی صاحب بات سننا ذرا، یہ ٹیبل صاف کر دو اور دو چائے لے آؤ اچھی سے، ذرا جلدی لے کے آنا۔ ارے کیا ہوا جگر؟ کچھ نہیں یار۔ ارے کوئی تو بات ہے، یاروں سے کیا چھپانا، چل بتا۔ کچھ نہیں یار، بس ایسے ہی۔ ایسے ہی کیا؟ کسی نے کچھ کہہ دیا کیا؟ کسی نے کیا کہنا ہے جب اپنے ہی چوروں کے ساتھ مل جائے۔ ارے کھل کر بتا نا، کیا ہوا؟ ایک بات بتاؤں، زندگی میں کبھی بھی عورت پہ اعتبار نہ کرنا۔ ارے یہ بات تو میاں تم نے 16 آنے سچ کہی ہے، لیکن اصل بات پھر بھی تم گول کر گئے۔ مجھے پورا یقین ہے میری بیوی کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ ارے نہیں یار، ایسی بھی بات نہیں، لیکن ہوا کیا ہے؟ یار 2 سے 3 بار میں نے اپنی بیوی کو فون پر پکڑا ہے، مجھے دیکھتے ہی فون بند کر دیتی ہے، پھر محلے کی عورت اس کا پیغام لے کے آتی ہے، وہ لے کے جاتی ہے۔ ارے یہ تو بہت غلط بات ہے میاں، لیکن جو بھی کرنا جلدی کرنا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارے میاں مطلب یہی کہ ساری زندگی کسی اور کے بچے کو نہ پالتے رہنا،
ऐसे कई बेवकूफ देखे हैं मैंने, बच्चा किसी और का और खर्चा किसी और का। जो करना है जल्दी कर। शकील जैसे दोस्त दोस्ती के नाम पर धब्बा हैं। वो खाकान का घर उजाड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। ब्रेन वॉशिंग का ये अमल जारी था कि एक दिन खाकान की जिंदगी का अहम दिन आ ही गया। माशाल्लाह कितना प्यारा है, बिल्कुल मेरी आयशा पे गया है। मैं तो आज तुम दोनों का सदका देती हूँ। माशाल्लाह कितना प्यारा बच्चा है, बिल्कुल गुड्डा लगता है। मैं तो कहती हूँ ये मुझे ही दे दे। बस खाकान का इंतजार कर रहे हैं, वो आते हैं तो मिठाई मंगवाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मिठाई खाए बिना तो मैं जाऊंगी भी नहीं। अरे मैंने फोन करके बता तो दिया था उसको, पता नहीं अभी तक आया क्यों नहीं। कहाँ रह गया ये खाकान? लो आ गया जी। खाकान माशाल्लाह, देखो अल्लाह ने चांद सा बेटा दिया तुम्हें, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। भाई जल्दी से मिठाई लाए, हम कब से मुँह मीठा करने के इंतजार में है। बंद करो सब। क्या हो गया तुम्हें खाकान? अल्लाह ने तुम्हें चांद सा बेटा दिया है, आज तो गुस्सा ना करो, तुम्हारा गुस्सा कहीं रुकता ही नहीं है। ये मेरा बेटा नहीं है, इसने जिसके साथ मुंह काला किए उसी से मिठाई का बोलो। जब कोई इंसान किसी पर तोहमत या बोहतान लगा दे तो याद रखें इसकी हद है, दुनिया में भी 80 कोड़े उसकी हद है कि उसको लगाए जाएं। अगर वो अपनी तोहमत को सच्चा साबित नहीं कर सकता, कुरान मजीद ने सूरह अन्नूर में इस पर बहुत वाज़ेह इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना यरमून अल-मुहसनात, कि जिन्होंने पाक बीबियों पर इल्ज़ाम लगा दे हैं, वलम यकुल लहुम, और उनके पास शुहदा गवाह ना हो, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि उनको 80 कोड़ों की सज़ा दी जाएगी, और ये सज़ा उसके तोहमत के इल्ज़ाम के झूठा साबित होने पर उसे काजी ये सज़ा देगा। और क़यामत के दिन ज़ाहिर है अल्लाह ताला ऐसे बंदों से सख्त नाराज़ होगा जिसने तोहमत लगा कर किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, किसी के आराम को बर्बाद कर दिया, किसी की आप यूँ कह लें खुशियों को बर्बाद कर दिया। ऐसा इंसान किसी भी सूरत रहम का मुस्तहिक नहीं है। अल्लाह ताला हर एक को इस बीमारी से महफूज रखे। जो तू खेल खेलना चाहती है ना, सब मुझे पता है। यही तो पूछ रहा हूँ कि क्यों आई है। कल उसके घर मिला दे बस, उसी का कहने आई थी। ठीक ठीक बता, तेरे किस यार का पैगाम लेके आई थी ये? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सच बता, पहले दरवाजा खुला था, आज ये गई। आखिर मेरे घर में ये चल क्या रहा है? किससे बात कर रही हो? अम्मी की कॉल थी। वाकई अम्मी से बात कर रही थी? तो मुझे देख के फोन क्यों बंद किया? मुझे तो पता भी नहीं था कि आप आ रहे हैं, मैं तो अम्मी से बात कर रही थी। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझता हूं। ये मेरा बेटा नहीं है, जिसके साथ मुंह काला किए उसी से मिठाई का बोलो। आयशा बीबी, इस घर के इर्द गिर्द कोई मुझे मंडलाता हुआ नजर आ गया ना, तो वो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा।
काकान भाई जी, बात सुनिएगा। जी फरमाइए। आपने बहुत गलत किया। क्या मतलब, कहना क्या चाहती हो? आयशा एक नहायत ही शरीफ और पाकीज़ा लड़की है। देखें, ये मेरे घर का मामला है। जी बिल्कुल आपके घर का मामला है, लेकिन उस दिन जो आपने किया वो सब देख के मैं खामोश नहीं रह सकती। आप होती कौन है मेरे घर के मामलात में दखल देने वाली? मैं तो आयशा की पाकबाजी बयान करने आई हूँ। वो इतनी पारसा है, लेकिन आपने उस पर बहुत घटिया इल्ज़ाम लगाया। चलते हैं। अगर हम खाली शक की बात करें और उसको हम लोग एक पैथोलॉजिकल जेलसी का अगर हम लोग उसको नाम ना दें, तो उसमें ये हम लोग कर सकते हैं कि वाइफ और हस्बैंड एक दूसरे के साथ बैठ के खुल के इस बारे में बात करें। अगर हस्बैंड को किसी बात का शक है तो वो अपनी वाइफ से बात करें एंड वाइस वर्सा। और इसमें दूसरे स्पाउस का भी फ़र्ज़ है कि वो बिल्कुल रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी रखे। यानी कि मोबाइल फ़ोन्स पे हम लोग जब पासवर्ड लगा लेते हैं या हम लोग छुप छुप के कोई हरकत करते हैं, तो अगले को इस चीज़ का शक होने लगता है कि मे बी कोई गलत हरकत में इन्वॉल्व है। इसीलिए बहुत हद तक कोशिश करनी चाहिए कि हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में प्रॉपर जो है ट्रांसपेरेंसी हो, ताकि हर एक को एक दूसरे का सब कुछ पता हो। आयशा ज़िंदगी की तल हकीकतों से आशना हो चुकी थी। वो ऐसे जुर्म की सज़ा काट रही थी जो उसने किया ही नहीं था। दूसरी जानिब हर शख्स खाकान को बुरा भला कहने लगा था। वो जहाँ भी जाता लोग आयशा की पारसाई की गवाही देते। क्या खाकान आयशा को वापस घर ले आया था, या फिर कहानी ने लिया था एक नया मोड़? देखिएगा एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आवाज बंद करो अपनी। अरे मुझ पर गुस्सा दिखाने से क्या होगा, तुमने खुद ही तो बताया था। अब आंखों देखी मक्खी निकल रहे हो, तो मुझे क्या? मुझे तमाशा लगाया था, वो तो तुम्हारे सामने ही था। शांति हो, मेरा तो दिल कर रहा था उठ के चली जाऊं। तो गई क्यों नहीं? डर गई थी कि कहीं मुझे ही ना मारे। अरे अभी तक तो यही लग रहा है, कुछ फैसला करके दिखा तो पता चलेगा। करके दिखाऊंगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, खानदान के दबाव पर खाकान अपनी बीवी को घर ले आया, लेकिन शक का जो नाग उसके जहन में कुंडली मारे बैठा था वो उस पर हावी रहा। आयशा रूठकर अपने महके जाती रही और फिर समाज के दबाव पर वापस आ जाती थी। इसी तरह उसकी शादी को 4 साल गुजर गए, उनका बेटा अब 3 साल का था, लेकिन आयशा के इम्तिहान अभी भी खत्म नहीं हुए थे। आपने वाकई बहुत बुरा टाइम देखा। अब तो 4 साल गुजर गए, आदत हो गई है। खाकान भाई का रवैया मुनासिब नहीं हुआ। क्या कह सकती हूँ, बस अल्लाह उन्हें हिदायत दे। हालांकि बेटे के बाद तो इन्हें अक्ल आ जानी चाहिए। बेटे की पैदाइश पे जो तमाशा लगाया था वो तो तुम्हारे सामने ही था। शांति हो, मेरा तो दिल कर रहा था उठ के चली जाऊँ। तो गई क्यों नहीं? ठहर गई थी कि कहीं मुझे ही ना मारे। खैर अब तो हर हरबा नाकाम हो चुका है। अम्मी के घर जाऊं तो लेने तक नहीं आते। मर्द ऐसे ही होते हैं। खैर सब मर्द एक जैसे तो नहीं होते, ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, शक्की मिजाज बदतमीज। चीज़ें बच्चों के लिए भी बहुत रिस्की होती हैं और बहुत डेंजरस होती हैं, जहाँ पे बच्चों को सिर्फ इमोशनल अब्यूज़ नहीं बल्कि फिज़िकल अब्यूज़ भी सहना पड़ता है। जैसे मैंने पहले कहा कि जो बंदा पैथोलॉजिकल जेलसी का शिकार होता है उसके सोचने समझने की सलाहियत ज़रा कम हो जाती है, और वो गुस्से में और वायलेंट वो ज़्यादा हो जाते हैं। Thank you.
क्या हुआ खाकान मियाँ, बड़ी गहरी सोचों में गुम हो? कुछ नहीं यार। अरे कुछ तो है, कहीं थक तो नहीं गए? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मतलब यही कि किसी के बेटे को पालते पालते तुम थक तो नहीं गए ना? बस बंद करो अपनी। अरे मुझ पर गुस्सा दिखाने से क्या होगा, तुमने खुद ही तो बताया था। अब आंखों देखी मक्खी निगल रहे हो तो मुझे क्या? शकील तुमने मुझसे मार खा लेनी है। हाँ हाँ, तेरा जोर तो यारों पर ही चलता है ना। अगर तू बगैरत बन के जी सकता है तो जी ले, मुझे क्या? शकील मैं बगैरत नहीं हूँ। अरे अभी तक तो यही लग रहा है, कुछ फैसला करके दिखा तो पता चले ना। करके दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा। रिसर्चर्स कहती हैं कि अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो आप सक्सेसफुल लोगों के साथ उठे बैठे, अगर आप लोगों ने मजहबी होना है तो आप उन लोगों के साथ ज़्यादा उठे बैठे जिनका दीन की तरफ ज़्यादा रुझान है। तो सिमिलरली अगर हम किसी ऐसे बंदे के साथ बैठेंगे जो कि नेगेटिव है या बैड कंपनी है तो ऑब्वियसली हम उस तरह के तौर तरीके जो है वो अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे और एब्जॉर्ब कर लेंगे। कहानी यहाँ मोड़ में दाखिल हो चुकी है। तल्ख अज़दवाजी ज़िंदगी में आयशा के पास जीने का वाहिद सहारा उसका बेटा गुड्डू है, लेकिन अब होने जा रहा एक ऐसा काम जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक ऐसी हकीकत सामने आने वाली है जो ख्वाब भी होती तो आयशा चीखती चिल्लाती उस ख्वाब से जाग जाती। आयशा तुम क्या हुआ, सब खैर तो है ना? नहीं गुड्डू कहीं नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा मतलब यहीं कहीं होगा? वो यहाँ नहीं है, अपने अब्बू के साथ कल रात से गया है, आज रात होगी, ये कुछ पता नहीं चल रहा। खाकान भाई के साथ तो उन्हें फ़ोन कर लेना, उनका नंबर बंद जा रहा है। कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलती हूँ, कल हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। इसके अब्बू भी इसके साथ आए थे, वो कहाँ है? ये नहीं मर सकता, ये नहीं मर सकता। डॉक्टर के दर, डॉक्टर के दर। नेक्स्ट पे बने। मेरा बच्चा नहीं मर सकता, मेरा बच्चा नहीं मर सकता। डॉक्टर के दर। आप इन्हें संभालें, ये बच्चा मर चुका है। इसकी फैमिली को बुलवा लें, इसके वाले सब को हम तलाश कर रहे हैं। जैसे वो मिलते हैं उसके बाद बाकी सूरत हाल वाज़ेह होगी। तुम ही लेके गए थे ना गुड्डू को, फिर क्या हुआ उसके साथ? बोल है? हाँ मैं ही गुड्डू को लेकर गया था और प्लान के मुताबिक उसको वहीं मारकर फेंकाना था। क्यों, क्यों किया ऐसा? अपने ही बच्चे को इस तरह कत्ल कर दिया? क्योंकि वो मेरा बेटा नहीं था, एक गुनाह की पैदावार था, इसीलिए मार दिया उसे, क्योंकि मैं गैरतमंद हूं। ओए गैरत के बच्चे, उसकी तो डीएनए रिपोर्ट भी आ गई है, तुमने अपने सगे बेटे को कत्ल किया है। झूठ है ये, झूठ। ये देखो यही सच है।
बेटा दबा रहा था ना, वो मुझे देख रहा था, लग रहा था वो कह रहा कि अभी मेरे अबू मुझे बचा रही है। लेकिन इसके अबू तो हैवान बने हुए थे। काश ऐसा ना होता। मैं शक की वजह से मैंने अपने ही बेटे का गला काट दिया। अब तो मैं तुमसे हमदर्दी भी नहीं कर सकता। अब तुम्हारा फैसला अदालत करेगी। अमरदार ले जाओ इसको। औलाद के नाजायज होने का शक है तो उसको कत्ल कर देना तो कोई हल नहीं है। उसको कत्ल करना और अगर बिलफर्ज अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे किसी का साबित भी हो जाए कि ये नाजायज़ है तो उसको कत्ल करना फिर भी उतना ही गुनाह है जिससे जैसे किसी और जगह किसी को कत्ल करने का गुनाह है। कत्ल करना हल नहीं है। हाँ, ताल्लुकात मियाँ बीवी का रिश्ता वो चाहे तो ख़त्म कर सकता है, उसे अपनी बीवी के तौर पर ना रखे, उसे अपने आप से जुदा कर दे, उस रिश्ते को ख़त्म कर दे, रिश्ता निकाह को, लेकिन कत्ल करने की किसी भी सूरत उसे अल्लाह उसके रसूल ने इजाज़त नहीं दी। अगर कत्ल करेगा तो कातिल के तौर पर उसे दुनिया में भी इसकी सज़ा होगी और क़यामत के दिन भी एक ऐसे बच्चे को जिसका कोई गुनाह नहीं, बेगुनाह जान को, बेगुनाह नफ्स को कत्ल करने की सज़ा के तौर पर अल्लाह ताला इसको वही सज़ा देगा जो वैसे किसी आम मुसलमान को कत्ल करने की सज़ा है। एक बेबुनियाद शक ने पूरा घर तबाह कर दिया। हाकान ने जो किया उसकी सज़ा तो उससे मिलकर ही रहेगी, लेकिन महज एक शक ने पूरा घर उजाड़ कर रख दिया। बुरी सोहबत का यही अंजाम होता है। अगर आपके जहन में भी शक के बादल मंडला रहे हैं तो खुदारा एक बार ठंडे दिमाग से सोच ले। इस्लाम रिश्तों को बचाने पर जोर देता है, लेकिन शैतान आपका घर उजाड़ना चाहता है। फैसला आपके अपने हाथ में है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई हकीकत के साथ।